हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, पिछली रात हम लोग दिखाए थे कि चूहा पकड़ने के लिए हम लोग स्टैंड में ब्रेड लगाए थे, तो ब्रेड तो गायब है, चूहा भी अंदर नहीं आया। तो क्या हुआ कि अभी भी चूहा ऊपर ही अलमारी में ही है, क्योंकि पूरा बंद है अलमारी, कहीं से निकलने जगह नहीं है। हुआ क्या कि हम लोग उसको ना प्रॉपर अच्छे से लगा दिए थे ऊपर में लॉक, कि जब अंदर जाएगा तो फट से गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर लगा दिए थे और ये बहुत ज़्यादा टाइट है। देखिए, इतना मैं प्रेस कर रही हूँ तो भी बंद नहीं हो रहा। तो इसमें क्या सोचे हैं कि हल्का सा इसमें ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर में, जिससे थोड़ा सा चिकना हो जाए। दूसरा है कि बहुत हल्का सा उसमें फंसाएंगे, जिससे कि अंदर जाते ही जो है कि वो बंद हो जाए। और दूसरा है कि इस बार ब्रेड नहीं, इस बार हम लोग रोटी लगाएंगे, क्योंकि रोटी खींचने में थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइट रहेगा, जैसे खींचेगा तो फिर फंस जाएगा। तो मेरी बेटी सुबह सुबह बोली मैं रोटी बनाऊंगी, मैंने आटा गूंथा, ये रोटी बनाने लग गई। और ये इसलिए रोटी बना रही ना कि चूहा को पालेंगी, कह रही है मैं चूहा को पालूंगी। मेरा बेटा बोला कि मैं तो अभी तक ज़िंदगी में कभी चूहा नहीं देखा हूँ, मम्मा चूहा हम लोग पालते हैं। तो देखिए, पहले चूहा पकड़ में आया तो देखते हैं पालेंगे कि उसको बाहर ले जाके फेंकेंगे। बेबू रोटी बना दी है चूहा के लिए। चलो सेक दे बेबू का रोटी। तो ये कह रही थी कि मैं छोटी बेबू हूँ, इसलिए मैं छोटा रोटी बनाई हूँ चूहा के लिए। तो ये बोल रही मैं खुद ही सेकूँगी। तो ऊपर से देखिए रोटी तवे पर फेंक दी, जैसे मैं तैसे गिर गया वो। तो और गोदी मेरे हैं, देखना चाहती हैं कि रोटी मतलब कैसे बनेगा, कैसे सीखेगा। चूहा के लिए खुद रोटी बना रही हैं, मतलब घर में बच्चे भी इतने एक्साइटेड हैं, हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार चूहा पकड़ने जा रहे हैं और बच्चे इसलिए वो लोग पहली बार चूहा देखने जा रहे हैं। तो हम लोग रात से कल लगे हुए पकड़ने में, अभी तक तो पकड़ में नहीं आया है। और मेरा बेटा और जो बेटी है, दोनों लोग मिलकर प्लान किए हैं कि लोग चूहा पालेंगे। तो इन लोगों का बच्चे हैं ना, तो घर में हर चीज़ पाल लें, मक्खी मच्छर चूहा बिल्ली, मतलब जो भी पाए सब पाल लें, क्योंकि इनको कुछ करना तो है नहीं, बस सब पाल लें। तो हम लोगों को पता है कि क्या पाल सकते हैं क्या नहीं। दो बच्चे ही पाल लें वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो क्योंकि इन्हीं लोगों में पूरा दिन बीत जाता है, मतलब इसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वीडियो तो बना लेते हैं, एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो कहाँ से हम कुत्ता बिल्ली और सब पालेंगे। तो फिलहाल मेरे बेटे का प्लान है कि चूहा पालने का, तो वो तो पहले चूहा देख ले, वो तो देखा ही नहीं आज तक। तो यहाँ पर देखिए, मैं रोटी वहाँ लगा के छोड़ दिए हैं, देखते हैं पकड़ में आता है कि नहीं। और फिर मैं आगे किचन में, क्योंकि अब नाश्ता पानी भी रेडी कर लेते हैं। तो फिर आज छोला बनाने का प्लान था, कल से ही प्लान था, मैंने भिगा दिया था रात में। तो यहाँ देखिए, मैंने फटाफट मसाला वसाला पीस लिया और इधर छौंक भी दिया। छोला मेरा बॉयल हो गया था, सुबह मैंने बॉयल कर लिया था। तो बस इधर छोला वाला छोड़ दिया, मेरे पास छोला मसाला नहीं था। वैसे मैं रखती नहीं हूँ छोला मसाला, छोला बनाना होता तो सिंपल ही वही जो नॉर्मल मसाला होता है वही सब हल्दी धनिया वही सब डाल देते हैं, और थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है हल्का सा। फिर इसके बाद बीच में जैसे टाइम मिलता था ना, देखने आते थे कि चूहा पकड़ में आ गया कि नहीं। तो फिर मैंने देखा कि अभी वो जो ऊपर का लॉक था वो वैसे ही पड़ा हुआ है, मतलब अभी वो खुला हुआ है, चूहा का जो इसका मुंह होता है मतलब पकड़ में नहीं आया है। तो मैंने फिर छोड़ दिया उसको, बंद कर दिया वहीं पर, और फिर लग गए घर के काम में। तो अभी क्या है कि घर में अभी झाड़ू पोछा बर्तन कुछ हुआ नहीं था, तो घर पूरा फैला था। तो अभी मेरी मेड भी आ गई हैं, तो वो भी किचन में बर्तन वर्तन धुल रही हैं, तो मैंने इधर डस्टिंग वस्टिंग काम निपटा ले रहे हैं। और जो भी बाकी बेडशीट चेंज करना था वो सब हटा दिया, बाकी बेडशीट चेंज कर दे रहे हैं। क्या होता है कि अब बच्चों वाला घर कितना भी करते रहिए, कितना भी सब चीज़ अरेंज करिए, तो बच्चे तो फैलाएंगे। आप उनको कितना भी समझा रखिए बेटा समेट दिया करो, जो सामान जहाँ से उठाओ वहीं रख दिया करो, लेकिन फिर भी एक तो बड़ा वाला बेटा जो है, लड़के तो कुछ भी समझाते रहो जल्दी सुनते नहीं है और समझते भी नहीं है, उन लोग को आदत है फैला देंगे, कोई भी सामान प्रॉपर जगह नहीं रखेंगे। और दूसरा है छोटी बेटी है अभी, वो भी छोटी है, वो तो कोशिश करती है, जो बोलते हैं बात मानती है, लेकिन अभी बहुत छोटी है, उससे कितना उम्मीद करेंगे। तो बच्चों वाला घर है, फैला ही रहता है, कितना भी समेटिए, कितना भी सब कुछ कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए, तो मुश्किल से 2-3 घंटे का रहता है ये सब अरेंजमेंट, उसके बाद फिर फैलना शुरू हो जाता है। तो फिर वैसे भी अभी बच्चे छोटे हैं, फैला है, जब बड़े हो जाएंगे तो वैसे ही घर समेटा ही पड़ा रहेगा। जिनके घर के बच्चे बड़े हो गए हैं, बाहर चले जाते हैं पढ़ने लिखने जॉब करने, तो उनका घर हमेशा समेटा ही रहता है। फिर वो लोग बल्कि बोर होते हैं कि कोई काम नहीं है।
तो बल्कि यही सब है जो हम लोग को रोज़गार दिए हैं हमारे बच्चे, यही रोज़गार है हमारा कि दिन भर घर साफ़ करो, सुथरा करो और बच्चों को समझाते फिरो कि बेटा ऐसे मत करो वैसे करो। फिर लेकिन एक लिमिट है, एक टाइम तक ही सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर ये सब का दिन ख़त्म हो जाता है, फिर इसके बाद दूसरी जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। फिलहाल अभी लोग छोटे हैं तो भी बस इनकी केयर करनी है, घर को साफ़ सुथरा रखना है और इनको पढ़ा लिखाना है, और इसी में पूरा दिन कट जाता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह से रात हो जाता है। तो ये जो मेरा डाइनिंग टेबल है, छोटा सा डाइनिंग टेबल, बस हम लोग चार लोग के लिए ही लिए हैं, चार चेयर वाला ही है ये, तो अपने मतलब छोटी सी फैमिली के लिए काफ़ी सफिशियंट है। बहुत बड़ा लेकर क्या करेंगे, वैसे रेंट का घर है, हमेशा इधर उधर शिफ्टिंग होती रहती है, उसमें टूट फूट भी जाता है, और कभी कभी क्या होता है, कभी घर बड़ा मिल जाता है, कभी छोटा मिल जाता है, तो सारी चीज़ें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए छोटी टेबल है, पर इस पर जो हम लोगों ने पन्नी डाल कर रखा है उस पर क्या होता है ना, वो फिसल जाता है, बार बार नीचे आ जाता है, तो मैंने कई दिन सोची थी इसको सिलो टेप लगा दूँगी चारों साइड में, जैसे कि फिसलेगा नहीं, तो बस आज वही कर रही थी थोड़ा टाइम निकाल करके कि आज ये सब कुछ छोटी छोटी काम कर लिया करें, तो बस आज यही इस पर सिलो टेप लगाई थी। उसके बाद फिर सब लोग नहा धो करके आ गए, सब छोला चावल खा रहे थे, लंच वंच कर लिए हम लोग, फिर जब सब लोग रेस्ट करने चले गए तो फिर मैं आ गई। मलाई रखी थी काफ़ी दिन से बनाने के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं रात में निकाली थी बनाने के लिए, लेकिन फिर उस वक्त साथ बेबू रोने लग गई सोने के लिए, तो फिर मैं सुलाने चली गई, फिर खुद ही सो जाते हैं, बच्चों के साथ इतना टाइम लग जाता है सुलाने में, तो फिर मैंने नहीं बनाया, इसको रख दिया फ्रिज में ऐसे ही। तो देखिए अभी इसको बना रही हूँ, और मैंने पहले इसे मिक्स करने वाले से मतलब किया थोड़ा देर तक तो किया, लेकिन पूरा हाथ दुखने लगा, फिर लगा कि नहीं बाबा इससे मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर मैंने इसको बाहर किया और फिर मैंने हाथ से किया। हाथ में मुझे बहुत इजी लगता है करना, इसके बजाय कि मिक्सी से करें या इससे करें, तो फिर मैंने फटाफट हाथ से किया, दो मिनट में घी जो है मतलब बटर और पानी जो होता है इसका दोनों अलग हो गया, तो फिर मेरी हैबिट हो गई ना हाथ से ही घी बनाने की, इसका मतलब मलाई से बटर निकालने की, और वो बहुत इजी पड़ता है, इजी भी है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। मैंने कई वीडियो में देखा है कि लोग बटर जल्दी निकालने के लिए बताते हैं, उसमें बहुत सा चीज़ डालने के लिए, कोई बता रहा है कि इसमें चीनी डाल दीजिए, तो कोई कुछ, तो वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि घी क्या होता है ना, बहुत प्योर होता है, इसको जितना ही प्योरिटी बनी रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। इससे पूजा पाठ भी हम लोग करते हैं, और वैसे भी घी क्या है कि अमृत है, तो जल्दी तो इतना जल्दी तो कुछ नहीं है कि मैजिक नहीं होने वाला, थोड़ी मेहनत तो पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ के लिए पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। बस अगर आपको मिक्सी यूज मतलब सही लगता था, आप मिक्सी करिए चाहे जिससे करिए, पर ज़्यादा इसमें कुछ मिलाई उलाई मत, कुछ मिलाना ही है तो आप दही मिला दीजिए, जिस दिन आपको घी निकालना है उसके दिन पहले रात में उसमें दही थोड़ा सा मिला दीजिए मलाई में, और फिर नेक्स्ट डे मलाई से जो है इसको अच्छे से फेंट लीजिए, बहुत अच्छा सा बटर निकल जाएगा, और फिर क्या होगा ना, ये बहुत ज़्यादा प्योर हो जाएगा। ये जैसे नहीं वाला घी निकलता है जब दादी लोग बनाती थी, वो मट्ठा निकाल करके वो वैसा वाला बन जाएगा घी, और फिर क्या होता है कि वो आप आराम से चाहे जब तक रखिए ख़राब भी नहीं होता है। और इसको देखिए दो तीन पानी से अच्छे से धुल देंगे, क्या हो जाएगा फिर, अभी देखिए मेरा मलाई से जो है पानी अलग हो चुका है, बटर अलग हो चुका है, तो बस इसको अच्छे से समेट लेंगे और इसको हटा देंगे, फिर इसके बाद इसको दो तीन पानी से धुल देंगे, वो जो पानी इसमें डालेंगे ना वो थोड़ा ठंडा ही होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने फ्रिज में एक बटर लगा दिया है पानी, तो उसी पानी से इसको धुल लेंगे। तो जैसे धुलेंगे तो देखिएगा बटर मेरा काफ़ी टाइट हो गया है, और काफ़ी मतलब अब फैलेगा नहीं बटर इधर उधर, और फिर इसको एक दो पानी से धुल देंगे, जब देखेंगे नहीं पानी अब सही आ रहा साफ़ हो गया है तो इसको कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पे, धीमी आंच पे करके छोड़ देंगे, और फटाफट बटर से जो है घी निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, चलाने की जरूरत नहीं है, वहीं खड़े रह के चलाना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको धीमी आंच पे करके छोड़ देना है, बीच में एक आध बार जब आ जाते हैं तो चला दीजिए, और जलेगा भी नहीं इतनी जल्दी क्योंकि आप धीमी आंच करके छोड़े हैं, और कढ़ाई में पकाइएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, उससे देखिएगा ना पेंदी बिल्कुल नहीं जलेगी, मतलब पेंदी भी नहीं पकड़ेगा, और दूसरा है कि कढ़ाई में आप ना रीयूज़ कर सकते हैं, उसमें सब्जी वब्जी पका सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, घी वाले बना हुआ बर्तन में ना जब बनाएगा सब्जी तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। फिर देखिए मैं गैस पर चढ़ाने गई तो देखा गैस ही ख़त्म हो गया है, तो फिलहाल मैं इसको अभी रख दूँगी फ्रीज में, और हम लोग को अभी थोड़ा सा जाना है बाहर, तो फिर जब सिलेंडर चेंज करेंगे तब इसको चढ़ा देंगे, अभी मेरा गैस सिलेंडर भी नहीं है, तो ऑर्डर लगा तो दिया है नंबर, देखते हैं आज कल में आएगा,
तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं किसी से मिलने, कोई यूट्यूबर हैं अगर मिल जाते हैं तो फिर ठीक है, तो फिर वीडियो में आगे दिखाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, घूम टहल के खा पी करके आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक कोई करते ही नहीं है, तो चलिए बाय बाय।